वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू रूट वन माइनस एक्स प्लस रूट एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर एंड डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन टू रूट एक्स इंटू वन माइनस एक्स प्लस पी देन पी इज इक्वल टू. तो सी ये साइन इनवर्स में कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है. स्ट्राइक कर सकता है कि डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन चालू कर देता हूँ, बट मैं ऐसा नहीं करूंगा. वाई, क्योंकि अगर मैं चालू करूँगा तो सी साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा सॉल्व करते करते. अब मैं कुछ ऑब्जर्व करता हूँ. सी यहाँ पे साइन इनवर्स लिखा हुआ है, तो हो सकता है अंदर कुछ साइन का कुछ आइडेंटिटी बन रही हो. तो लेट से पहले टर्म में मेरे पास में एक्स और दूसरी है रूट वन माइनस एक्स, यहाँ भी क्या है मेरे पास में रूट एक्स और ये क्या है रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर. तो लेट से मैं एक बार के लिए लेता हूँ कि हमारे पास कोई एंगल है जिसके लिए साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स है, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा इक्वल टू रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा. सी अगर ये हमारा क्या था साइन थीटा था, तो ये क्या लिखा हुआ है कॉस थीटा लिखा हुआ है, ठीक है ये साइन है तो ये कॉस है. अब रूट वन माइनस एक्स, अब अगर मेरे पास दूसरी टर्म क्या है रूट एक्स, ये भी किसी टर्म का लेट से साइन फाई है. लेट से अगर मैंने बोला साइन फाई किसके इक्वल है, साइन फाई इक्वल टू रूट एक्स है, तो कॉस फाई क्या हो जाएगा सिमिलरली कॉस फाई हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर फाई विच इज इक्वल टू एक्स, तो जाएगा रूट वन माइनस एक्स. तो ये क्या लिखा हुआ है इंडायरेक्टली अगेन कॉस लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है साइन थीटा कॉस फाई प्लस साइन फाई साइन थीटा कॉस फाई प्लस साइन फाई कॉस थीटा. तो सिमिलरली क्या लिखा हुआ है साइन ए प्लस बी लिखा हुआ है. तो ये वाई जो फंक्शन लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है, वाई लिखा हुआ है साइन इनवर्स ऑफ ए प्लस साइन इनवर्स ऑफ बी, यहाँ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स ऑफ एक्स, तो ये आएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स. ये क्या लिखा हुआ है हमारा वाई लिखा हुआ है. अब हमें करना है डिफरेंशिएशन वाई का. सी कितना कॉम्प्लेक्स फंक्शन था और कितना सिंप्लीफाई हो गया. तो ये क्या है ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट होती है ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स में. अब साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का डिफरेंशिएशन वन प्लस. अब हमें क्या करना है नेक्स्ट चीज, साइन इनवर्स रूट एक्स का डिफरेंशिएशन. तो रूट साइन इनवर्स का करेंगे तो क्या सबसे पहले वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा वन माइनस एक्स के इक्वल. अब क्या करेंगे रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा वन अपॉन टू रूट एक्स हो जाएगा एंड देन एक्स का डिफरेंशिएशन वन. तो इसे सिंप्लीफाई करूंगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, इट इज इक्वल टू वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, इसे लिख सकता हूं मैं वन अपॉन टू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू वन माइनस एक्स, है ना. जैसे ये हो जाएगा एक्स इंटू वन माइनस एक्स, ये क्या है वैल्यू हमारा फर्स्ट फंक्शन और फिर क्या है पी, तो p किससे इक्वल आ गया, p आ गया स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी.